बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त नायला बाबर। लास्ट टाइम हम लोगों ने काम किया था अलाइनमेंट्स, बुलेट्स और टम्पलेट्स के मुतालिक। बुलेट्स और टम्पलेट के मुतालिक आपको बताया था कि हम लोग बुलेट्स और टम्पलेट्स क्यों यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हमारे वर्क यूज़ होती हैं। तो आज हम बात करेंगे लाइन स्पेसिंग के बारे में। लाइन स्पेसिंग के मुतालिक हम लोग सबसे पहले हम लाइन स्पेसिंग के लिए पैराग्राफ, सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ लेंगे। पैराग्राफ लेने के बाद ये हमारे पास पैराग्राफ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास पैराग्राफ है। पैराग्राफ लेकर हम लोगों ने क्या करना है, इनकी लाइन स्पेसिंग चेंज करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि आपको हर लेक्चर में ये चीज़ बताई जा रही है कि आप जो काम कर रहे हैं उस पे कोई भी इफेक्ट करने से पहले, उसको कुछ भी करने से पहले आप उसको सिलेक्ट लाजमी करेंगे। जब तक आपकी चीज़ सिलेक्ट नहीं होगी तब तक आप उस पे कोई भी काम आपका वर्क नहीं होगा। वो चीज़ एज इट इज़ रहेगी, वो जैसे आप उसको रिटर्न करोगे वो उसी तरीके से रहेगी, वो आपकी वैसे ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। लाइन स्पेसिंग के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लिया ये पैराग्राफ का जो टूल बॉक्स है। इस टूल बॉक्स में हमारे पास ये कमांड है लाइन स्पेसिंग की। लाइन स्पेसिंग को हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसकी लाइन स्पेसिंग, इसका फासला कम या ज़्यादा, यहाँ पे ये देखें आपको इन लाइंस के दरमियान कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये इनके दरमियान जो फासला है, ये फासला एज इट इज़ रहता है, ये बाई डिफ़ॉल्ट होता है, ये हमें ऑटोमेटिकली मिलेगा इसी तरीके से जितना हमने अपने पेज का सेट किया है। लेकिन यहाँ पे लाइन स्पेसिंग पे आके जब आप इसको इस तरीके से करोगे तो क्या होगा, ये वाले जो लाइंस हैं ये पास पास हो गई हैं। तो अब आप देखें डिफरेंस, ये लाइंस में डिफरेंस कम है और इन लाइंस में जो हमारे पास स्पेस है वो बहुत है, काफ़ी है, लेकिन इनमें बहुत कम है। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी लाइन स्पेसिंग बढ़ा देनी है, उसको इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ कर दिया 1.15 पे, तो आपको इस तरीके से इतना उसमें स्पेस नज़र आ रही है। अब हम उसको 1.5 कर देते हैं तो आप देखें इसमें और मज़ीद स्पेस बढ़ चुकी है। अगर हम इस पैराग्राफ को, अब आप इसमें और इस पैराग्राफ में डिफरेंस देखें कि ये कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको, कि हमने उनकी उसकी मैंने स्पेसिंग रखी थी 1.5 ऊपर वाले की और नीचे वाले पैराग्राफ की हमने 2.5 रखी है। तो इनमें आपको डिफरेंस नज़र आया कि आप उसको जितना ज़्यादा डिफरेंस करना चाहते हैं इन लाइंस में, जितना ज़्यादा आप लोग स्पेस देना चाहते हैं लाइंस के दरमियान, वो आपको यहाँ से स्पेस मिल जाएंगी। उसके बाद अगर हम लोग क्या चाहते हैं जी, इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 पे कर दिया, इसको हमने क्या करना है, इस पे हमने स्पेस जो है हमारे पास मज़ीद जो हम लोग ऊपर से ऐड कर रहे हैं, हमने ऊपर से ये जो स्पेस है वो ख़त्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, जो पैराग्राफ के बाद की स्पेस है वो भी हमने क्लियर कर दी, वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है इसमें डिफरेंस कितना है। ये आपको एज इट इज़ नज़र आ रहा है हमने पैराग्राफ में क्या तब्दीलियां की हैं। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे कि हम इसका बॉर्डर, हमने ये दो पैराग्राफ्स हैं इनको बॉर्डर लगाना है, इन दोनों में बॉर्डर कर दिया। अब आप टॉप पे भी कर सकते हो, बॉर्डर बॉटम पे भी कर सकते हो, अगर आपने इसको फुल बॉर्डर करना है आप फुल बॉर्डर कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप जो चीज़ कर रहे हो उसको किस साइड से बॉर्डर देना है, किस साइड से उसको रिमूव करना है। अगर आप बॉर्डर नहीं देना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन बॉर्डर का आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप बॉर्डर दोगे तो आप उस चीज़ को जब प्रिंट करोगे तो प्रिंट में आपको बॉर्डर नज़र आएगा, लेकिन अगर आप उस चीज़ को बॉर्डर नहीं कर रहे हो तो वो बॉर्डर आपको नज़र नहीं आएगा, वो आपकी चीज़ वैसे ही आपको नज़र आएगी। ये चीज़ अब जब आप प्रिंट करोगे ये एज इट इज़ आपको प्रिंट मिलेगी, बॉर्डर नज़र आएगा। अगर आप लोग कहो कि ये चीज़ हमें बॉर्डर नहीं करना है और ये चीज़ इस तरीके से नज़र आए आपको, तो
जब तक आप चीज को बॉर्डर नहीं करोगे तो आपका बॉर्डर नहीं लगेगा। अब आप इसको बॉर्डर खुद से भी ड्रा कर सकते हैं। आपके पास बॉर्डर एंड शेडिंग, क्या आप बॉर्डर को कलर करना चाह रहे हो या आप बॉर्डर किसी और तरीके का कर रहे हो। बॉर्डर का कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम लोग बॉर्डर को दे रहे हैं जी रेड कलर। नेक्स्ट हम लोग इसकी स्पेसिंग बढ़ा देते हैं कि हमारे पास इतना मोटा बॉर्डर आना चाहिए, तो ये हम लोग ओके अगर कर देते हैं। आपका बॉर्डर क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको नो बॉर्डर कर देंगे। तो आपने देखा क्या, बॉर्डर लगाने से आपकी चीज किस तरीके से जबरदस्त स्टाइल में नजर आएगी। नेक्स्ट टाइम हम आपको शॉर्ट के मुतालिक बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी बेल को ऑन रखें। थैंक यू एंड अल्लाह।